देखो उसकी एक और प्रॉब्लम जो आपको सामने मैं बताता हूँ, कैलकुलस तो एक प्रॉब्लम थी, हमने डिफरेंशिएशन में देखी थी, एक और भी समस्या थी। वो कहते हैं देखो एक लिफ्ट है, एक लिफ्ट है, ये लिफ्ट नीचे आ रही थी, इसके अंदर एक लैंप टंगा हुआ था, अंदर एक एक मैन, ये वन नंबर, और एक पर्सन नीचे खड़ा है ग्राउंड पे। लिफ्ट की रस्सी टूट गई नीचे उतरते हुए, लिफ्ट फ्री फॉल में आ गई, लिफ्ट फ्री ग्रेविटी के अफेक्ट में नीचे आ रही है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी से नीचे गिर रही है। ठीक है, जो बंदा ग्राउंड पे खड़ा है उससे उसने पूछा कि तेरे को क्या लग रहा है कि लैंप की एक्सेलरेशन कितनी है, तो उसने क्या बोला जी, उसने कहा लैंप देखो ये शीशे की लिफ्ट है, मान लो ग्लास की है, दिख रहा है उसे सब कुछ, तो ये सिर्फ लैंप को देखेगा। इसने लैंप को देखते हुए कहा कि क्योंकि लिफ्ट फ्री फॉल में है तो लैंप भी साथ में फ्री फॉल में है, क्योंकि लिफ्ट की एक्सलेशन जी है नीचे गिरने की, तो लैंप की एक्सलेशन भी जी है। तो इस बंदे ने आंसर क्या दिया, फॉर पर्सन नंबर टू लैंप इज मूविंग डाउन विद एक्सलेशन जी, सही आंसर दिया। फिर अब उसने, न्यूटन ने इससे पूछा कि जब ये गिर रहा था तू बता कि तेरे को क्या लग रहा है लैंप को देखते हुए, ये कह रहा है लैंप तो टंगा हुआ है अभी भी और लैंप कहाँ नीचे गिर रहा है। तो अब ये बंदा कह रहा है लैंप नीचे गिर रहा है, लेकिन ये नहीं बोलेगा क्यों ये खुद नीचे गिर रहा है और साथ में लैंप भी नीचे गिर रहा है। जैसे वो स्काई डाइवर नहीं होते, वो हेलीकॉप्टर से किसी से जंप कर देते हैं प्लेन से, और फिर दोनों नीचे गिर रहे होते हैं, एक दूसरे को पकड़ भी लेते हैं, वो कहते हैं देखो एक दूसरे के कंपैरिजन में वो रेस्ट पे है। क्यों? क्योंकि अगर इसकी स्पीड 10 है तो इसकी स्पीड भी 10 है, तो ऑब्वियसली अगर दोनों सेम स्पीड से नीचे उतरेंगे तो विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर वो बोलेंगे रिलेटिव मोशन जीरो है और रेस्ट पे है। कोई डाउट इसमें? क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? ठीक, तो इसने आंसर क्या दिया कि मुझे लैंप किस पे नजर आ रहा है, एट रेस्ट, तो लैंप इज एट रेस्ट। अब क्वेश्चन क्या था न्यूटन का, कौन सही बोल रहा है, दोनों सही बोल रहे हैं, किसका आंसर सही मानेंगे? तो हम तो ये, अब किसी उड़ते एक एक प्लेन में बंदे जा रहे थे, साथ में यहीं से ऊपर से उड़ रहे थे जब ये एग्जाम्पल चल रहा था, उनसे फोन करके पूछ लिया तुम्हें क्या लग रहा है, उन्होंने कुछ और आंसर दे दिया। उधर से कोई कोई मान लो कोई प्लेन में जा रहा है, कोई नीचे कार में जा रहा है, कोई ट्रेन में जा रहा है, सबके आंसर डिफरेंट डिफरेंट आए जा रहे हैं। अब न्यूटन फिर वही कंफ्यूजन, ये तो हर बंदा अपने ही आंसर देने शुरू हो जाएगा, तो फिर सही आंसर क्या मानेंगे, एक प्रॉब्लम है। आंसर सभी सही दे रहे हैं, पर आपको नहीं लगता कि हर कोई अपना रेफरेंस पॉइंट डिफरेंट ले रहा है? कोई ग्राउंड के रेफरेंस में आंसर दे रहा है, कोई लिफ्ट के रेफरेंस में आंसर दे रहा है, कोई उड़ते हुए प्लेन के रेफरेंस में आंसर दे रहा है, हर का रेफरेंस डिफरेंट है। कोई डाउट इसमें? समझ में आ रहा है यहां तक? हर का रेफरेंस पॉइंट डिफरेंट है। तो न्यूटन ने सबसे पहले इसका नाम चेंज किया, रेफरेंस को उसने नाम दिया फ्रेम, रेफरेंस फ्रेम। जैसे आप ये नहीं बोलेंगे इस चैप्टर में कि विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आंसर दे रहे हैं, नहीं, आप बोलेंगे आप ग्राउंड के फ्रेम में आंसर दे रहे हैं, ग्राउंड का फ्रेम, तो आप ग्राउंड को रेफरेंस मान के आंसर दे रहे हैं। इसको कैसे बोला जाएगा, ग्राउंड के फ्रेम में क्वेश्चन हो रहा है, लिफ्ट के फ्रेम में क्वेश्चन हो रहा है। मतलब आप ये नहीं कहेंगे इस लिफ्ट वाले बंदे को क्या लगा, आप बोलेंगे इस लिफ्ट के फ्रेम में आंसर दें क्या आंसर होगा। मतलब कि फिजिक्स वाले ये चाहते हैं जब ये स्टेटमेंट आए आप लिफ्ट के फ्रेम में आंसर दें, मतलब आप जाओ लिफ्ट में खड़े हो जाओ और अब बताओ आपको कैसा लग रहा है, इसे बोलते हैं लिफ्ट के फ्रेम में आंसर दे रहे हैं। आप अगर प्लेन में उड़ रहे हैं आप प्लेन के फ्रेम से आंसर दे रहे हैं, यानी कि आप प्लेन में बैठे हैं और आपको चीजें जैसी भी दिख रही हैं तो आप प्लेन के फ्रेम में आंसर दे रहे हैं। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि ये फ्रेम वर्ड कैसे यूज करेंगे। तो उसने क्या कहा कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस करके उसने एक टॉपिक बनाया, ये है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्लियर यहां तक? एक सेकेंड,
देखो, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्लियर है यहां तक? तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब कि किस फ्रेम को रेफर करते हुए, रेफरेंस मानते हुए आप अपना आंसर देंगे, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। कोई डाउट इसमें? आगे, सो इसमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस में उसने डिफाइन किया कि दो टाइप के फ्रेम्स हैं, एक इनर्शियल और एक नॉन इनर्शियल। बस दो ही फ्रेम्स हो सकते हैं, एक इनर्शियल एक नॉन इनर्शियल। ये होते क्या है ये देखो। इनर्शियल फ्रेम का मतलब कि अगर आपके पास कोई फ्रेम या कोई भी गाड़ी चल रही है, ट्रेन है, कार है, वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है या वो रेस्ट पे है, तो वो फ्रेम क्या होगा? इनर्शियल। तो जिसमें एक्सेलरेशन क्या होगी? जीरो। लेकिन अगर किसी फ्रेम में एक्सेलरेशन होगी नॉट जीरो, तो फिर वो फ्रेम क्या होगा? नॉन इनर्शियल। जैसे एक कार चल रही है, कार एक्सेलरेट कर रही है, तो कौन सा फ्रेम कहलाएगी? इनर्शियल की नॉन इनर्शियल? नॉन इनर्शियल, क्योंकि जिसमें एक्सेलरेशन है वो नॉन इनर्शियल। कार कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है तो बोलो क्या? इनर्शियल। कार रेस्ट पे पड़ी हुई है, इनर्शियल। तो अगर रेस्ट पे पड़ी है या कांस्टेंट वेलोसिटी है तो इनर्शियल, और अगर एक्सेलरेट करती है तो नॉन इनर्शियल। लिफ्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जा रही है, इनर्शियल की नॉन इनर्शियल? इनर्शियल। लिफ्ट एक्सेलरेट करती हुई ऊपर जा रही है, नॉन इनर्शियल। लिफ्ट रेस्ट पे पड़ी हुई है, इनर्शियल। देखो दो ही चीजें हैं ना, या तो गाड़ी चलेगी या नहीं चलेगी। नहीं चलेगी इनर्शियल, चल पड़ी कांस्टेंट वेलोसिटी से तो इनर्शियल, एक्सेलरेट कर गई नॉन इनर्शियल। बस जिसमें आपने गाड़ी में एक्सेलरेशन देख ली वो नॉन इनर्शियल है, बस बात खत्म। क्या ये पहचान हो जाएगी इनर्शियल नॉन इनर्शियल? ठीक, तो पहला स्टेप क्लियर है। दूसरा, फॉर एग्जाम्पल, हाँ, अब न्यूटन ने यह भी कहा कि अगर फ्रेम इनर्शियल है ना, तो आप न्यूटन का लॉ, फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, अगर अप्लाई करोगे इनर्शियल फ्रेम्स में तो करेक्ट काम करेगा। लेकिन अगर आप नॉन इनर्शियल में काम करोगे, एफ इज मास इनटू एक्सेलरेशन, तो आंसर गलत आएगा। ये स्टेटमेंट काफी बड़ी है, मैं एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ मैंने क्या बोला। मैं अभी बताता हूँ इसमें क्या है इसका मतलब। जैसे आपके पास एक ट्रेन है, पहला एग्जाम्पल, ट्रेन किस पे पड़ी हुई है? एट रेस्ट। कोई डाउट इसमें? ट्रेन के अंदर एक ब्लॉक पड़ा हुआ है 1 kg, और आपने फोर्स क्या लगाई? 20, और एक्सेलरेशन कितनी है? ए डैश। तो क्वेश्चन है, इस ट्रेन के अंदर अगर आपने जाके 20 न्यूटन फोर्स लगाई तो बोलो कितनी एक्सेलरेशन है? तो आप फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन आएगी 20। ये फ्रेम क्या कहलाएगा? इनर्शियल, क्योंकि ट्रेन किस पे है? एट, ये ना कहना ब्लॉक एक्सेलरेट कर रहा है, ट्रेन के विद रिस्पेक्ट टू, ट्रेन जिसमें ब्लॉक पड़ा हुआ है वो इनर्शियल है। क्लियर? तो आपने इसमें न्यूटन का लॉ लगाया, फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, सही आंसर आया, ये आंसर एकदम करेक्ट है। चलो सेकंड केस, ये ट्रेन है, ट्रेन कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी पे फ्रेम क्या है? इनर्शियल। क्वेश्चन वही है कि आप इस 1 केजी को 20 न्यूटन फोर्स दो और ये क्या करेगी? एक्सेलरेट ए डैश। तो एक्सेलरेशन निकालनी है, तो क्योंकि ये फ्रेम क्या है? इनर्शियल, और न्यूटन ने क्या कहा कि अगर इनर्शियल फ्रेम है और आप फोर्स इनटू मास इनटू एक्सेलरेशन लगाएंगे, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर आएगा। फिर से लगाओ, 20 इज 1 इनटू ए डैश, आंसर क्या आएगा? 20 करेक्ट है। ये स्टेप भी क्लियर है। तो इनर्शियल फ्रेम यानी कि बॉडी जब रेस्ट पे है या कांस्टेंट वेलोसिटी पे है, तो उस केस में फ्रेम इनर्शियल है। आप जैसे नॉर्मल क्वेश्चन करते हो, फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, आंसर करेक्ट आएंगे। मैंने एग्जांपल चेंज कर दिया, इस बार ट्रेन क्या कर रही है? एक्सेलरेट। तो ट्रेन इस केस में क्या है? नॉन इनर्शियल। तो अब सेम क्वेश्चन है इसकी एक्सेलरेशन निकालने का, तो जब आप इसकी एक्सेलरेशन निकालेंगे, एफ इज एम इन टू ए, तो ये आंसर गलत आएगा। तो न्यूटन ने क्या कहा कि नॉन इनर्शियल फ्रेम में जब आप सेम फॉर्मूले लगाएंगे, आंसर सही नहीं आएगा। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है, इसकी क्या प्रॉब्लम है? ठीक ही तो कर रहे थे, गलत कैसे हो गया? देखो न्यूटन ने एक चीज एक्सपीरियंस की, अब मैं आपको एक्सपीरियंस करवाता हूं। एक कार है, आप कार में बैठ गए, सामने डैशबोर्ड पे ना आपने सामान रख दिया, बुक्स रख दी, चलो कार को एक्सेलरेट करवाओ तेजी से, सारी किताबें आपके ऊपर आ जाएंगी। चाय का कप रख, देख लेना कार, चाय का कप गरम गरम रखना, कार को एक्सेलरेट करके देख लेना, पता लग जाएगा, याद रखोगे कि चाय गिरती है ऊपर। ठीक,
लेकिन अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से कार चल रही है फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर कप वैसे ही पड़ा है, कांस्टेंट वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आता। लेकिन जब ब्रेक्स लगती हैं या एक्सेलरेशन जनरेट होती है फिर चाय का कप गिरेगा। क्यों? क्योंकि फ्रेम क्या है? नॉन इनर्शियल। न्यूटन ने कहा, फिर से ठीक, न्यूटन ने क्या कहा पूछो? हाँ फिर भी होएगा, अभी लीनियर मोशन है, मैं बाद में करूंगा एग्जांपल, ठीक, क्योंकि डायरेक्शन चेंज में सर्कुलर मोशन आएगा ना, होएगा उसमें भी होएगा। पहले सीधी मोशन की बात करते हैं, तो मैं रिपीट कर रहा हूं सुन, कि अगर सपोज करो एक कार या ट्रेन एक्सेलरेट कर रही है, आपने ये भी देखा होगा कई बार सामान बैग यहां पड़ा होता है, बैग खिसक के पीछे आ जाता है, क्योंकि जब ट्रेन एक्सेलरेट करती है तो सामान पीछे पीछे आता है। ये क्यों हो रहा है मालूम है? इनर्शिया, क्योंकि कार का फ्लोर तो आगे चला गया, बुक आराम करना चाहती है तो बुक पीछे रह गई, कार आगे निकल गई, आप भी आगे निकल गए, कॉपी तो आपके ऊपर ही गिरेगी। पॉइंट समझ में आ रही है? सब इनर्शिया को स्टडी किया हुआ था उसने, पर वो अब इतने डीप में लेके नहीं जाना चाहता। वो सिंपल ये बोलता है कि अगर कोई कार एक्सेलरेट करेगी, अंदर पड़े सामान को ऑपोजिट फोर्स लगेगी ही लगेगी। मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर कार आगे एक्सेलरेट करेगी, अंदर पड़े हुए सामान को पीछे फोर्स मिलेगी ही मिलेगी, और वो फोर्स कोई जाके तो लगाता नहीं, क्योंकि अगर कोई कॉपी को जान के गिरे वो रियल फोर्स है, वो कॉपी अपने आप गिरती है बिकॉज ऑफ इनर्शिया, वो नॉन रियल फोर्स कहलाती है। और नॉन रियल फोर्स का दूसरा नाम क्या होता है? सूडो फोर्स, ठीक, पी साइलेंट है, तो सूडो फोर्स। तो उसने कहा कि अगर कोई कार एक्सेलरेट करेगी तो उसके अंदर सामान को ऑपोजिट फोर्स लगेगी और उस फोर्स का नाम क्या है? सूडो फोर्स। क्लियर है यहां तक? तो न्यूटन ने कहा कि अगर आप इसकी एक्सेलरेशन निकालना चाहते हो, ये फ्रेम क्या है? नॉन इनर्शियल, उसके लॉ सही काम किस पे करते हैं जब फ्रेम क्या होता है? इनर्शियल। तो उसने कहा कि आप इस ब्लॉक पे सूडो फोर्स को कंसिडर कर लो, इसमें नहीं की, इसमें बैकवर्ड फोर्स लग रही है पर कंसिडर नहीं की। अगर आप उसे कंसिडर कर लेंगे तो वो फ्रेम नॉन इनर्शियल नहीं कहलाएगा, वो फ्रेम इनर्शियल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इनर्शियल फ्रेम कैन बी कन्वर्टेड इनटू, सॉरी, नॉन इनर्शियल फ्रेम कैन बी कन्वर्टेड इनटू इनर्शियल बाय टेकिंग इनटू द कंसंट्रेशन कौन सी फोर्स? सूडो फोर्स। फिर वो कहता है जब मेरा लॉ लगेगा ना सही आंसर आएगा, करके देखते हैं। तो मैंने क्या किया, ये ट्रेन आगे एक्सेलरेट कर रही है, 1 kg के ब्लॉक को पीछे मैंने कितनी फोर्स लगाई? 20 न्यूटन। और सूडो फोर्स कहां लगेगी? पीछे। सूडो फोर्स की डायरेक्शन हमेशा कार की डायरेक्शन के ऑपोजिट लगेगी। ट्रेन अगर आगे जा रही है सूडो फोर्स पीछे लगेगी, क्लियर? तो अगर प्लेन आगे जा रहा है सूडो फोर्स पीछे लगेगी, और कब लगेगी? जब ट्रेन, प्लेन, कार एक्सेलरेट करेगी, क्योंकि वो फ्रेम क्या कहलाएगा? नॉन इनर्शियल। क्लियर? इनर्शियल में कुछ नहीं होता, इनर्शियल में सब ठीक होता है, नॉन इनर्शियल की प्रॉब्लम है। तो अगर ये नॉन इनर्शियल फ्रेम है और कार की एक्सेलरेशन 1 है तो सूडो फोर्स कहां एक्ट करेगी? इधर नहीं, ऑपोजिट। तो सूडो फोर्स ऑपोजिट एक्ट करेगी। इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं ध्यान से सुन लो। इसकी वैल्यू के लिए बॉडी का मास जिस पे सूडो फोर्स लग रही है और इनटू कार की एक्सेलरेशन या ट्रेन की एक्सेलरेशन, डायरेक्शन तो पीछे एक्ट करेगी, इस बॉडी का मास कितना है? 1 kg, एक्सेलरेशन कितनी है? 1, तो 1 × 1 कितना? 1 न्यूटन। जैसे इमेजिन करो ये पूरी कार है, ये पूरा ये रूम नहीं है, कार है, कार आगे एक्सेलरेट कर रही है विद ए, ठीक, तो मेरे पे सूडो फोर्स क्या लगे, कहां लगेगी? पीछे। आप सब पे कहां लगेगी? पीछे, क्योंकि कार अगर आगे जा रही है हम सब पीछे फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे। कितनी? मेरा मास इनटू कार की एक्सेलरेशन। ये क्या कहेगा? इसका मास इनटू कार की एक्सेलरेशन। ये क्या कहेगा? इसका मास इनटू कार की एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन सभी कार की यूज करेंगे लेकिन मास हर कोई अपना अपना यूज करेगा। तो जो हल्का मास होगा उस पर कम फोर्स लगेगी, जो बड़ा मास होगा उस पर ज्यादा फोर्स लगेगी। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? तो सूडो फोर्स की कैलकुलेशन क्लियर है। तो अगर आप सूडो फोर्स कंसिडर करते हो तो ये फ्रेम अब क्या बन गया? इनर्शियल। अब वो कहता है कि नॉर्मली क्वेश्चन सॉल्व करो, इस ब्लॉक के राइट की तरफ फोर्स कितनी है? 20, और लेफ्ट तरफ सूडो फोर्स कितनी है? 1। तो एक्सेलरेशन निकालने का तरीका, बड़ी फोर्स में से छोटी फोर्स को माइनस करके नेट फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन। तो आंसर क्या आएगा?
19। पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहां तक? तो ये प्रॉब्लम कब आने वाली है, जब आपका फ्रेम क्या होगा, नॉन इनर्शियल। तो जितने नॉन इनर्शियल फ्रेम्स होंगे ना, उनमें पक्का क्या कंसिडर करनी है, सूडो फोर, तब क्वेश्चन सही आंसर देगा, नहीं तो आंसर सही नहीं आएगा। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? क्लियर है? कोई क्वेश्चन इसमें पूछो, समझ में आ रहा है? ठीक, तो एक बात बताओ, इनमें सूडो फोर्स क्यों नहीं ली इसमें? क्योंकि ट्रेन की एक्सेलेरेशन जीरो, सूडो फोर्सेस जीरो। इसमें क्यों नहीं ली? क्योंकि वेलोसिटी ट्रेन की कांस्टेंट, तो एक्सेलेरेशन जीरो, तो फिर सूडो फोर्स भी जीरो। इसमें क्यों ली? क्योंकि इसमें ट्रेन की एक्सेलेरेशन है, तो सूडो फोर्स लगेगी। क्लियर है यहां तक? तभी तो टेक ऑफ जब प्लेन करता है तो हर वो एयर होस्टेस कहती है कि वो बेल्ट बांध लो। क्यों? क्योंकि आप सब क्या एक्सपीरियंस करने वाले हो, सूडो फोर्स। फिर चाय भी नहीं पूछते उस टाइम तो, क्योंकि चाय गिर जाएगी ना। फिर जब प्लेन हवा में आ जाएगा 800 किलोमीटर पर आवर, बहुत तेज स्पीड से मूव करता है, पर कांस्टेंट, झटका लगता ही नहीं है। वो तो टर्बुलेंस हो जाए बात अलग है, अदरवाइज वो बिल्कुल स्मूथ चलता है, पता ही लगता। आप जो मर्जी सर्व करो, कोई दिक्कत। जब उतरता है फिर कहते हैं बेल्ट बांध लो, क्योंकि सूडो फोर्स लगने वाली है। तो सारी गेम एक्सेलरेटेड मोशन में ही होने वाली है। क्लियर यहां तक? अब आप ये इमेजिन करो, प्लेन जब उतरेगा उसकी एक्सेलरेशन क्या होगी? जबरदस्त होगी, बहुत तेज स्पीड से वो ब्रेक मार रहा है। तो आपका जो भी मास है, सूडो फोर्स, अगर मान लो बाय चांस उसको इमरजेंसी ब्रेक सप्लाई करनी पड़ जाए, कितनी जबरदस्त सूडो फोर्स लगेगी, मास इनटू प्लेन की एक्सेलरेशन, उड़ते हुए जाओगे आगे या पीछे। इसलिए कहते हैं कि बेल्ट बांध के रखनी है। एक्सीडेंट होते हैं, बेल्ट लगानी चाहिए। हमारी कार जा रही है, सडनली 80 किलोमीटर पर आर से एकदम ब्रेक मारनी पड़ गए, मास इनटू 80, अपना मास, हम ह्यूमन का मास भी ठीक ठाक है, 50 किलो से ऊपर रहता ही है, तो 50 इनटू उस कार की रिटार्डेशन या एक्सेलेरेशन, जबरदस्त फोर्स लगेगी, तभी लोगों के एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है, क्योंकि बहुत जबरदस्त फोर्स से हिट करता है डैशबोर्ड। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि कार की बेल्ट ठीक है, लोकल चलता है ठीक है, अदरवाइज बहुत मैंडेटरी है। पॉइंट समझ में आ रहा है? ठीक, तो अगर कोई चाय का कप या कंटेनर को रखेगा और कंटेनर कांस्टेंट वेलोसिटी वाली ट्रॉली पे पड़ा हुआ है, पानी को कुछ नहीं होगा, फ्लैट। पर अगर वो रिटार्ड या एक्सेलरेट करेगा, स्पीड तेज करेगा, तो सारे पानी के पार्टिकल को सूडो फोर्स पीछे एक्ट करेगी, तो उसका डायग्राम ऐसा बन जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव आएगा, मार्क करो करेक्ट ऑप्शन, शेप क्या होगी वाटर की, तो पीछे की तरफ हो जाएगी, क्योंकि हर कोई क्या एक्सपीरियंस कर रहा है, सूडो फोर्स बैकवर्ड। कोई डाउट इसमें? ठीक, और जैसे ये लास्ट क्वेश्चन है, अगर ये बॉब है, ये सीधा था और ये ट्रेन एक्सेलरेट कर रही है, तो बॉब पे सूडो फोर्स कहां लगेगी? पीछे। कितनी लगेगी? बॉब का मास इनटू कार की एक्सेलरेशन, 2 न्यूटन की फोर्स पीछे एक्ट करेगी, तो बॉब सीधा नहीं रहेगा, बॉब पीछे की तरफ आ जाएगा। कोई डाउट इसमें? क्लियर है? एक कार एक्सेलरेट कर रही है, कार अपने ऊपर सूडो फोर्स क्या लगाएगी? ना, अपने ऊपर नहीं लगाती, कार अपने अंदर पड़े हुए सामान पे या ऊपर पड़े हुए सामान पे लगाती है। कार अगर एक्सेलरेट, ये नहीं है कि ट्रेन एक्सेलरेट कर रही है, ट्रेन अपने आप को सूडो फोर्स लगाएगी फिर चल नहीं पाएगी, नहीं ऐसे नहीं होगा। अंदर पड़े हुए सामान पे सूडो फोर्स लगती है, वो खुद तो एक्सेलरेट करती है। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट इसमें? ठीक, तो यहीं तक करवाया दूसरे बैच में, तो नेक्स्ट टाइम मिलेंगे और